है और वीर महान मेरे साथ। अरे हैंडशेक कर रहे हो, गुड बॉय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Enjoy कर रहा है और मेरे साथ ओपन एवियरी में फुल्ली वीर महान मेरे साथ आ गया। लेकिन वीर महान के लिए मैंने कुछ खाना भी नहीं लाया, मेरा फ्री फ्लाइंग करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। और ये हम वीर महान को लेकर मैं अपने फार्म के ऊपर में आ गया हूँ, उसको लेकर चलता हूँ अपने एवियरी के पास। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड, दुर्गापुर बर्ड फार्म में आप सभी का स्वागत है। और एनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरा मैनेजिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। फिलहाल फाइनली इसका काम चल रहा है और उसके बाद आज का स्पेशल मैं वीर महान को आज अपने एवियरी के छत के ऊपर फ्री फ्लाइंग के लिए लेके जाने वाला हूँ। तो वीर महान आज मेरे एवियरी के ऊपर जाने वाला है और प्लस जैसे ही शाम का टाइम हो गया तो मॉर्निंग के टाइम में ठीक धूप इधर से आता और शाम के टाइम में ठीक धूप आपका इधर से आता है। तो जैसे ही रात होने वाला है तो मुझे पूरा एवियरी मैं कवर अप कर देता हूँ। रात होने वाला है, प्लास्टिक सब साइड ऑलरेडी हो गया, सिर्फ मुझे खोलना बंद करना इतना काम होता है। तो फ्रेंड चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं आज वीर महान को लेके चलूंगा अपने फार्म के बाहर फ्री फ्लाइंग के लिए। तो वीर महान आज मेरे साथ चलेगा फ्री फ्लाइंग के लिए। तो आ जाओ वीर महान, चलना है फ्री फ्लाइंग के लिए, चलो गुड बॉय, यस आ जाओ। तो फाइनली फ्रेंड मैं वीर महान को, और ये मेरा वीर महान भी जा रहा है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, ए यार जाओ जाओ, रेडी ले लिया हूँ इसके साथ। कुछ दिनों बाद मैं अपने वीर महान को, ये लॉक कर दो, गेट लॉक करो वहाँ पे। और हमारा वीर महान ब्यूटीफुल लोकेशन में आ मेरे साथ, मेरा फार्म में मेरा वीर महान मेरे साथ बैठेगा और मेरे साथ वीर महान मेरा एंजॉय करेगा। चलो वीरो, मजा आया ना? तो फ्रेंड इस वीर महान का मोल्टिंग टाइम चल रहा था, फाइनली मोल्टिंग टाइम भी अभी खत्म हो गया। कुछ कुछ जो फेदर जो चले गए थे वो ऑलरेडी आ चुका है और वीर महान अभी मेरा फ्री फ्लाइंग करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। और ये हमारा, तो फ्रेंड फाइनली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोकेशन आप देख सकते हो, ठंड काफी ज्यादा हो रहा है, अभी शाम का 5 बजता होगा। और फ्रेंड क्या होता है कि जो ये टीन है ना फ्रेंड, ये जो टीन होता है इस पे वो जो पानी मतलब ठंड का जो ओस आता है ना, ए वीरो यहाँ पे रहो, ठंड का जो ओस आता है फ्रेंड, ये ओस के आने के कारण से क्या होता है, ये जो टीन में फ्रेंड जो ओस गिरता है और वो पानी नीचे आ जाता है फ्रेंड। जिस तरह आप अगर एक ग्लास में आइस रखते हैं फ्रेंड, उसके बाद क्या देखते हैं कि वो आइस का जो ठंड का पानी कुछ कुछ बाहर आ जाता है, उसी तरफ से जो ठंड का ओस जाता है वो अंदर भी आ जाता है। तो इसीलिए मुझे जिसको मैं बोलता हूँ खौड़, अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंड मैं उसको बंगाली में मैं उसे बोलता हूँ खौड़, तो वही फ्रेंड वो खौड़ का ही मेरे को यूज करना पड़ेगा, जिससे मैं ये पूरे को मेरे को शेडिंग करना पड़ेगा, जिससे मेरा बर्ड फार्म काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल करे। मैंने अंदर में प्लास्टिक का वर्क हो गया जो कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और उसके साथ फ्रेंड 200 वाट का बल्ब भी काम हो गया। और इधर फ्रेंड ये बांस का यूज़ किया हूँ जहाँ पर अभी वर्क होगा, ये आप देख सकते हैं ये बांस अभी बांधा हुआ है, इसी पर चढ़ के ये बिचाली का वर्क कंप्लीट होगा। तो यही काम करने के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे आया हुआ। तो फ्रेंड फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक किसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और दुर्गापुर बर्ड्स फार्म में जितने भी लोग हैं सभी को मेरा मैनेजिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और आप लोग जितने भी लोग फार्म विजिट करना चाहते हैं आप जरूर आ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। तो फ्रेंड धन्यवाद।